नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान आग भड़की, एक दर्जन से ज़्यादा लोग झुलसे। गृह मंत्री शाह ने सीएम से ली घटना की जानकारी। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान बड़ा हादसा हो गया। गुलाल के कारण गर्भगृह में आग फैल गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में सीएम मोहन यादव के बेटे और बेटी बाल बाल बच गए। उज्जैन मध्य प्रदेश स्थित महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। गृह में भस्म आरती के दौरान हुए इस हादसे में एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल होली उत्सव की वजह से मंदिर में गुलाल उड़ाया जा रहा था, जिसकी वजह से आग फैल गई। इस आग की चपेट में आने से एक दर्जन पंडे, पुजारी और सेवक झुलस गए। इन सभी का उज्जैन के जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में सीएम मोहन यादव के बेटे और बेटी बाल बाल बच गए। वह घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। इस घटना में महाकाल मंदिर में भस्म आरती के मुख्य पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, अंश पुरोहित, सेवक महेश शर्मा, चिंतामन गहलोत सहित कई अन्य लोग घायल हो गए। पुजारी आशीष शर्मा ने बताया कि महाकाल मंदिर में पारंपरिक होली समारोह आयोजित किया जा रहा था। गुलाल के कारण गर्भगृह में आग फैल गई। मंदिर के पुजारी घायल हो गए। हमने उन्हें घायलों को अस्पताल में पहुंचाया है। आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह ने MP के CM डॉक्टर मोहन यादव से महाकाल हादसे की जानकारी ली है। शाह ने एक्स पर लिखा है कि उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर में आग लगने की घटना के संबंध में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बात करके जानकारी ली है। स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता और उपचार उपलब्ध करवा रहा है। मैं बाबा महाकाल से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस, न्यू भारत।